ये जी अभी मैं गई हुई थी, ये दो हीटर लेकर आई हूँ, एक ये मैंने नीचे टीवी लॉन्च के लिए लिया है। नहीं खाती इब्राहिम गटन चीजें नहीं ना खाती, ये तेरी जो ये बहन है ना ये छिपन गटन चीजें खाती है। आमना क्या कर रही है? चिक्का खा रही। अमीना क्या खा ली है? अमीना क्या खा ली है? हमने चिक्का खा रही थी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज ही मुकद्दस के इयररिंग बनवाने जा रही हूँ गोल्ड के, क्योंकि उसकी पीसिंग करवाई थी, फिर कोई ना कोई काम निकल आता है। यकीन करें अभी तक टाइम ही नहीं मिल रहा है कि उसके मैं इयररिंग लेकर आऊँ। तो बस जी अब उधर जाना है मुझे, और साथ में हीटर लेने हैं। हीटर पिछले साल मैंने लिया था, वो इतना सही नहीं था निकला, तो ऐसे स्पार्किंग सा करता था, तो मैंने कहा ऐसे करती हूँ आज इस दफा नया ले लेती हूँ। तो बस आपको पता है घर के काम शुरू किए हुए थे, तो बस अब बस मलिक साहब आए, उनको खाना दे दिया मैंने, और साथ में पकौड़े बना रही हूँ। अब बस चाय शाय बनाने लगी थी साथ में, तो ऐसे करते किचन में चलते हैं साथ साथ, मैं आपको दिखाती हूँ साथ साथ बातें करते हैं साथ साथ। मैं फटाफट चाय उसको कहती है कि मम्मा ऐसे ऐसे ना जरा थोड़े से ना आपने फ्राई सही से करनी है। पता नहीं आप लोग कच्चे कैसे खा लेते हैं, ये मेरी डेफिनेशन है फ्राई होने की। हाँ ये ना मुकद्दस को इस तरह के पसंद है, और अम्मी के लिए असल में मैं थोड़े से ऐसे ना मतलब ज़्यादा फ्राई नहीं करती हूँ, क्योंकि वो सॉफ्ट होते हैं तो वो उनसे सही से खाए जाते हैं। साथ में चटनी बना लेते हैं, चलो तो साथ में ये चटनी भी बना लेते हैं। ये देखिए मैंने ना मिंट सॉस बना के तो फ्रिज की हुई है, ठीक है, वो दो क्यूब डाले हैं बीच में, और फटाफट से चटनी बना ली है। और ये जी साथ में पकौड़ों का सामान, ये एक दफ़ा और निकलेंगे, एक दफ़ा उनको दे दिए हैं। और ये जी साथ में कहवा भी बन चुका है, चाय बना रही हूँ साथ में, और पकौड़े वो भी तकरीबन फाइनल हो गए पड़े हैं, बस आपकी निकालूंगी प्लेट में। मामा तो जिस बात ही हो गई। टू एनीबॉडी हु इज वंडरिंग, ये पकौड़े सड़े नहीं हैं, मैंने मामा से खुद कह के इन्हें ज़्यादा बनवाया, क्योंकि इस तरह ये ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं। ज़्यादा क्रिस्पी सामना है। मुझे जला हुआ क्रिस्पी कड़वा फ्लेवर बहुत पसंद है, अभी हालांकि जले नहीं है, मतलब क्रिस्पी है। ये जी बस अब कदर से ले जाओ ना बाहर चलने, ये मेरी प्लेट है छोटी सी। मेरी हर वीडियो के नीचे एक क्वेश्चन लाजमी होता है कि आप ही आप आमना और मुकद्दस के बालों की केयर कैसे करती हैं, उसके बालों पे क्या लगाती हैं, क्या यूज़ करती हैं, हमारे साथ भी शेयर करें। मैंने आपने हर वीडियो में आपके साथ शेयर किया है, आज फिर बता रही हूँ जी मुकद्दस ओवरनाइट के लिए ईशा ऑर्गेनिक का बायोटिन हेयर सीरम, और जी साथ में ऑयल मिक्स करके अपने बालों पर लगा लेती है। ये मैं आपको साइड पर दिखा भी रही हूँ, ठीक है, इन दोनों को मिक्स करके बालों पर लगा लेती है, और सुबह उठ के ईशा ऑर्गेनिक के ही एंटी हेयर फॉल शैम्पू के साथ वॉश कर लेती है, ठीक है। आप ये आफ्टर वार रिजल्ट देख लें, और आपने पहले भी देखा है कोई मुकद्दस के बाल स्ट्रेट नहीं है, कोई कुछ नहीं हुआ हुआ है। और आपने जरूर उनके शैम्पू को ट्राई करना, ये लोग क्लेम करते हैं कि पहले ही वॉश में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जो कि मुझे मिला है, क्योंकि सर्दियों में अगर आप सबको भी होती है तो मैं रिलेट कर सकती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा डैंड्रफ होती है, और मेरी डैंड्रफ पहली वॉश से काफी ज्यादा कम हुई है, और ये पहली दफा हुआ है, ठीक है, किसी भी शैम्पू से मेरी डैंड्रफ कम नहीं होती। और ये शैम्पू मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा है बालों को वॉश करने के लिए, इससे अच्छा शैम्पू नहीं है, और डैंड्रफ भी अच्छे से वॉश हो जाती है, और क्या चाहिए। तो जी इस शैम्पू का लिंक जो है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, और जो मैं तैयार हुई हुई हूँ टेंट से। जी टेंट भी आप चेक कर लें। ये जी यहाँ पे मैंने यूज किया ईशा ऑर्गेनिक्स का जो रेडिश टेंट है ना, बहुत ही खूबसूरत टेंट है, और उसका भी लिंक जो है दोनों प्रोडक्ट्स का वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, टॉप पे लगाऊंगी मैं ताकि आप लोगों को मिल जाए। अगर आप लोग खरीदना चाहते हैं तो जरूर लीजिएगा, और मेरे साथ उसका रिव्यू शेयर कीजिएगा कि आपके साथ कैसा रहा उसका एक्सपीरियंस, तो सॉरी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब मामा आपसे बात करती हैं, लाफिज। उसके बाद जी मैं बाज़ार चली गई थी, और मुझे बाज़ार से लेने थे इलेक्ट्रिक हीटर, क्योंकि हमारे यहाँ गैस नहीं है तो हम जी इलेक्ट्रिक हीटर ही यूज़ करते हैं, और पिछले साल था मेरा वो ख़राब हो गया था, तो इसलिए मैंने कहा कि अब न्यू ले लेती हूँ। और साथ में जी मुकद्दस के गोल्ड के इयररिंग बनने के लिए मुझे देने थे, क्योंकि उसकी पीसिंग करवाई थी, तो उसके बाद अभी तक मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं जी उसके गोल्ड के इयररिंग बनवा लूँ। उसने ख़ुद पसंद किए हैं, तो वो इंशाल्लाह बन के आएंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और फिर जी मैं आके ज़रा फ्राइड चिक्स पर रुक गई थी, मैंने इनके बाबा को कहा कि
बच्चों के लिए कुछ ले ले, क्योंकि अब उनको दोबारा से भूख लगी पड़ी होगी और अब मैं थकी पड़ी हूँ, मेरे से अब घर जाके वापस कुछ नहीं बनाया जाता है। तो फिर जी यहाँ से बस उनके खाने के लिए कुछ लिया और फिर हम जी वापसी के लिए निकल पड़े। ये जी अभी मैं गई हुई थी और ये दो हीटर लेकर आई हूँ, एक ये मैंने नीचे टीवी लॉन्च के लिए लिया है और ये जी साथ में लिया है मुकद्दस के रूम के लिए। ये ऐसे फैन में जैसे स्टैंड वाला नहीं होता, ये वो लिया है। अच्छा ये भी 3500 का आया है और ये भी 3500 का आया है, ठीक है। मैंने कहा आपको प्राइसेस भी बता देती हूँ। और ये मुझे बड़ा क्यूट सा लगा था तो ये मैंने नीचे के लिए लिया। घर आते ही जी मैंने फ़ौरन से टेबल पे चीज़ें लगा दी, मैंने कहा बच्चों ने जो जो खाना है वो खा लें। और साथ में इब्राहिम ने तो कहा कि मैंने तो इसमें से कुछ भी नहीं खाना, उसके लिए मुझे दोबारा से, क्योंकि उसने उस टाइम खाना नहीं था खाया बाबा के साथ, इतनी नहीं थी उसने रोटी खाई। तो ये है कि फिर उसके लिए जी मैंने दोबारा से फिर रोटी बनाई और साथ में चने वाला सालन था वो दिया। और इब्राहिम तो जी माशाल्लाह पहले चेक करता है कि भाई ठीक है मेरे हिसाब का आया खाना, तो उसके बाद जी वो खाना शुरू करता है। आमना तो माशाल्लाह सभी कुछ खा लेती है, आमना का इतना मुझे इशू नहीं होता है, बाकी सब खा लेते हैं। ज़रा इब्राहिम है थोड़ा सा चूजी सा है खाने में। इब्राहिम गटन चीजें नहीं ना खाती, ये तेरी जो ये बहन है ना ये छिपन गटन चीजें खाती है। गटन चीजें ये बिल्कुल नहीं खाती, ये देखे ये इतना छोटा छोटा मामा ने मना था बनाया है छाट में चनों वाला छाला। बिल्कुल गटन चीजें नहीं खाती, बिल्कुल गटन चीजें नहीं खाती, प्योर चीजें खाती है, इसलिए जुटी सुसूतन है इसीलिए। ना तंग करो सब, इसने मारा, इन्हें आज गुटखा वाग रानी है। और ये जी कल आए हैं चावल और आज गाड़ी में से निकले हैं और वो उन्होंने ऊपर रखने हैं। हला चेक करो तुसी जरा, इन्होंने रखने ने उत्ते। और आमना क्या कर रही है, आमना क्या कर रही है, आमना क्या कर रही है, चुक्का खा रही। अमीना क्या खा ली है, अमीना क्या खा ली है, अमीना चुक्का खा रही थी, अमीना जी चुक्का खा रही थी और अब फील करा रही है कि मैं कुछ भी नहीं थी खा रही, चुक्का खा रही थी, चुक्का खा रही थी। कट्टो ये बंदा इतना कट्टो वैसे नहीं बनता चुक्का खाने से। इब्राहिम इब्राहिम क्या कर रहा है, इब्राहिम जी खेलियां कर रहा है। ये जी डोरेमोन आया है इब्राहिम के लिए और ये जी डायनासोर बिल्कुल अमना की तरह है, डायनासोर ये अमना के लिए आया है। और मैं तो जी हीटर के पास खड़ी हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। ये जी आप जरा पीछे का आप देख रहे हैं हालात काफी खराब हुए पड़े हैं, तो दो दिन हेल्पर नहीं थी आई और बस जरा काम शाम बहुत ज्यादा इकट्ठा हुआ है। असल में ये किचन की चीजें कुछ इधर पड़ी हुई हैं क्योंकि वो रैक वगैरह मैंने जैसे कि आपको बताया था बनने के लिए मैंने दिए हुए हैं, रैक आ गया है और साथ में वो बस सुबह पेंट होगा तो फिर उसके बाद हम किचन की सेटिंग वगैरह करेंगे। और साथ में जी मैंने हीटर की प्राइसेस वगैरह आपको बता दी हैं। अच्छा जो रोल का पूछ रहे थे मेरे से कि वॉलपेपर के रोल आपने किस तरह लिया, तो वो तकरीबन एक रोल 3400 के, मैंने दो रोल लिए हैं, ठीक है। एक दीवार के ऊपर दो रोल लगेंगे और साथ में जी नीचे क्योंकि वनाइलिंग हुई हुई है तो सिर्फ ऊपर का जो पार्ट है ना उसके लिए दो रोल लगेंगे। और साथ में जी मुकद्दस के ईयरिंग भी मैंने बनने के लिए दे दिए हैं और इंशाल्लाह जब वो बन के आएंगे तो आपके साथ शेयर करूंगी। तो चले जी अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में भी याद रखिएगा। मिलूंगी मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।